नमस्कार, कोंचा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप ये देख रहे हैं कि एक ये छोटा सा यंत्र है, ये इसको तुबकी कहते हैं। और ये तुबकी जो है सिर्फ और सिर्फ बस्तर में ही बनाई जाती है। और इसको गोंचा रथ यात्रा जिसे कहते हैं, गोंचा पर्व में ग्रामीण इस तुबकी को लेके यहाँ आते हैं। और इसको ये पेंगू, एक प्रकार से इसे पेंगू फल है, जो ये मैं करीब से दिखाऊंगा। ये पेंगू का फल है, इसको इसमें ऐसा भरता है। ये देखिए, बाई भर के इसको, ये भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए बनाई जाती है, ऐसा बताया जाता है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये तुर्की है, और ये इसे पेंगू कहते हैं। ये तुर्की और पेंगू ये सिर्फ और सिर्फ बस्तर में ही, वो भी विशेष गोंचा, जब रथ यात्रा प्रारंभ होता है इसे बस्तर में गोंचा भी कहा जाता है। और ये गोंचा के समय भगवान जगन्नाथ को, बलभद्र को, सुभद्रा को रथ यात्रा में एक प्रकार से सलामी दी जाती है। इससे इसकी सलामी ये इस तरह से ऐसा चलाया जाता है, ये पेंगू को भर कर, तो ये इस तरह से ऐसा आवाज आता है। और बस्तर में एक ऐसी परंपरा है कि यहाँ इसको एक दूसरे के ऊपर भी चलाते हैं, थोड़ी सी चोट भी आती है, बहुत मीठा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, मीठा दर्द होता है। इसे एक दूसरे के ऊपर ऐसा मारा जाता है, और ये एक उत्साह का वातावरण, कोई द्वेष नहीं, एक खुशी जाहिर की जाती है। ये कि कोई इसमें द्वेष भावना नहीं होता। ये तुबकी है, और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये पेंगू है, ये ग्रामीण है। ये बांस आप देखेंगे, ये बांस का पूरा हिस्सा है, और बांस की ये डंडी है। और ये इस तरह से ये परंपरागत तरीके से इसे बनाया गया है। और ये सिर्फ आज और महाड़ा गोंचा जो 9 दिन बाद बड़ा रथ यात्रा होगा, उस समय इसका उपयोग होता है। बच्चे बड़े आनंद के साथ इसे लेते हैं। धन्यवाद। देखिए कैसा है।